طيب आपका नाम क्या था? सुनिए दिल भाई बहुत शुक्रिया आपका स्टेज पर आने के लिए। छोटा सा जादू है, छोटा सा मैजिक है, थोड़ा सा साथ चाहिए आपका। ओके आप लाइट में दीजिएगा। ओके चलिए सुनिए जी कुछ काट फिर सब करेंगे आपके साथ। एक सेकेंड सुनील जी हमारे साथ हैं, हमारे हाथ में एक ताश कटी है, बिल्कुल नॉर्मल लगी है। ओके सुनील जी सारे पत्ते अलग हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52 सभी अलग अलग हैं। आप सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ओके सुनील जी सारे पत्ते अलग हैं, तो हम शफल करते हैं। ओके सुनील जी मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी एक कार्ड पे फिंगर रख दे जो आपको पसंद हो, इसी में काट दें, राइट। ओके तो यहाँ कट करते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये कार्ड आप ले लीजिए, ऑडियंस को दिखाइए, बॉटम कार्ड ऑडियंस को दिखाइए, मुझे वो दिखाइएगा। ऑडियंस ध्यान देखिएगा इस कार्ड को, और सुनील भाई दिखाने के बाद इसको इस तरह से छुपा लीजिएगा अपनी सीधे से, छुपा लिया आपने। ओके वेरी गुड। सुनील भाई आपका कार्ड क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनके माइंड को पढ़ूंगा और ड्रा कर दूंगा कि इनमें कौन सा कार्ड निकाला है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक मार्कर। हाँ ओके सुनील जी कार्ड सुनने से लगा कर रखिएगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो नहीं नहीं ओके सुनील जी कार्ड छुपा के रखिएगा। ओके थैंक यू सो मच। आ जाओ आ जाओ
बैक दे सर अगर आपको परफॉर्मेंस प्लीज आज स्पेशली चीफ गेस्ट हैं हमारे शो के लिए. थैंक यू सो मच. आपको ये थम जो अवार्ड है एक अचीवमेंट है. एंड विजय लाइट ऐसे ही रखना, लाइट अभी ये रखना. इंडिया गॉट टैलेंट पे थोड़ी वॉइस देना विजय, थोड़ा वॉइस बढ़ाकर प्ले कर दो, माइक प्ले कर दो. मुझे इसी का हॉनर ज़्यादा आता है, ये सब तो साइड में होता है मेरे लिए. इंडिया गॉट टैलेंट का विनर स्पेशली मैं जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं फ्रंट लाइन में बैठे ये शो स्पेशली मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ. आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसके पहले लोगों ने यहाँ श्रावस्ती में फर्स्ट टाइम देख रहे, इसके पहले स्ट्रीट पर देखा होगा, टीवी पर देखा होगा. विनर इंडिया गॉट टैलेंट के और डेडिकेट कर रहा हूँ देश को, बात कर रहा हूँ प्रिंस डांस ट्रूप की. राइट वाओ प्रिंस डांस ट्रूप, हम सब ने उसे इंडियाज गॉट टैलेंट में देखा है, वी आर अ बिग फैन. एक्चुअली क्या है संजीव जी, मैं स्टेज से भाग रही थी, पता नहीं मुझे पड़े मेरा गला वाला काट दिया तो मेरा मतलब वापस नहीं आया, तो मैजिक का कोई भरोसा नहीं. मुझे पता है यहाँ बहुत सारे बुद्धिमान प्राणी बैठे हुए हैं जो सोच रहे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, किया कैसे. दोस्तों जब जादू वादू देखते हैं ना इतना सोचिए मत, बस एंजॉय कीजिए जैसे अगले परफॉर्मेंस को हम एंजॉय करने वाले हैं. राइट यस. और मैं चाहता हूँ ये परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है तो सैल्यूट करिए इस परफॉर्मेंस को, अपने देश के नाम डेडिकेट करते हैं ये परफॉर्मेंस. और मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस की आज के दिन की जरूरत भी है, आज के शो की जरूरत भी. थैंक यू सो मच और एंजॉय करते हैं ग्रेट परफॉर्मेंस आप जैसे लवली ऑडियंस के. थैंक यू प्लीज. जोरदार क्लैपिंग हो जाए प्लीज स्ट्रोक के लिए. लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ कंप्लीट. जी हाँ बात कर रहा हूँ इंडिया गॉट टैलेंट का विनर ट्रूप प्रिंस डांस ट्रूप जो उड़ीसा से आपके बीच यहाँ श्रावस्ती के खूबसूरत से ग्राउंड में हाजिर हुआ है. बहुत ही डिफरेंट, बड़ा अलग सा देश को समर्पित करने का ये एक्ट सिर्फ इस ग्रुप ने तैयार किया है. और पिन ड्रॉप साइलेंस, शांत हो गए हुए परफॉर्मेंस देखें, 100% आपको बहुत पसंद आएगा. अनाउंसर क्लैपिंग हो जाए देश के नाम.
आओ सलाम करें उन्हें जिन हेलो आओ सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है और बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। बिकॉज डेडिकेट करते हैं लाइट ऑन कर दो लाइट ऑन मुझे दिखाई देने दो वो पल वो लम्हा वो घड़ी आ चुकी है हमारे रेस्पेक्टेड डीएम सर एसपी सर मैम एंड रेस्पेक्टेड गेस्ट जिनका नाम नहीं जानता हूँ प्लीज सर हेलो तो संदीप जी इसके बाद अनोखा आज देखने वाले हैं क्योंकि आज आखिरी दिन यादगार प्रोग्राम सब देखते रहे तो इसके बाद क्या है यस नो एक जरूरी अनाउंसमेंट आप जैसे लवली ऑडियंस के लिए यानी इसका इंतजार आप सब कर रहे थे हम सब कर रहे थे मैं बात कर रहा हूं प्लेबैक सिंगर फेमस सिंगर जिन्हें हम नहीं पूरी दुनिया जानती आप नहीं पूरी दुनिया जानती सलमान खान की फिल्म देखी होगी आपने सनम बेवफा यस उस फिल्म के जितने भी गाने सुने सलमान खान सिर्फ यूं करते हैं लेकिन जो आवाज होती है वो उनकी है जो आज हमारे साथ है मैं बात कर रहा हूं बेहतरीन सिंगर प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर विपिन सचदेवा तो प्लीज जरूर आप सबके बीच बात कर रहा हूं ये बंद इसलिए कर दो ये इतने खूबसूरत है इनको इनकी जरूरत नहीं है और मैं बता दूं सलमान खान ने खुद जाके इनके घर पे उन गानों के लिए ऑफर किया था कि सर प्लीज आप ये गाने मेरे लिए जरूर गाएं जैसे एक किस्सा हुआ था कि राजेश खन्ना के लिए और अपने गाने के लिए किशोर दास के घर गए थे कि भाई वो गाने सपनों की रानी आपको गाना पड़ेगा और वो आज हस्ती वो प्लेबैक सिंगर विपिन सर मेरे सामने है बहुत खूबसूरत लग रही है लगता है तो क्लैपिंग हो जाए ना प्लीज वेलकम करें जोरदार तालियों से बाकी तारीफ करना ठीक नहीं है हम लोग उधर जाते हैं बाकी ऑडियंस एंड व्यूअर्स से जो है जानना पड़ेगा थैंक यू सो मच जी हां संदीप जी आइए हम लोग भी बैक स्टेज से इनका गाना एंजॉय करते हैं सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी दोस्तों का वेलकम बहुत बहुत स्वागत आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम आदाब सत श्री अकाल इस प्रोग्राम के बहाने ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का ये पहला मौका मिला है मुझे आज बड़ी खुशी है आप लोगों के बीच में आकर के बड़ा ही प्यारा सा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हमारे संदीप श्रीवास्तव जी ने यहाँ के कल्चरल डिपार्टमेंट ने दोस्तों अपने संगीत का सफ़र मैंने शुरू किया था रफ़ी साहब के गीतों से सबसे पहले रफ़ी साहब के गाए हुए गीत मुझे गाने का मौका मिला टी सीरीज में उस वक्त कैसेट का ज़माना होता था आज आप YouTube पे सब कुछ सुन सकते हैं उसके बाद 90 में मुझे मौका मिला फिल्मों में गाने का मेरी पहली फिल्म सनम बेवफा थी संदीप जी आपको बता चुके हैं तो आइए रफ़ी साहब के बहुत ही प्यारे प्यारे से नगमे आपको सुनाने के लिए यहाँ मैं आया हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप उन गीतों को सुन करके पसंद करेंगे और मुझे अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देंगे थैंक यू एक तरफ देखो मुझे इश्क है
थैंक यू. Thank you.
मित्रों, आप सभी को मालूम है कि हमारे बीच में माननीय मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हमारे बीच में यहाँ हैं, उपस्थित हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस श्रावस्ती महोत्सव के लिए और विशेष रूप से आपके लिए, श्रावस्ती वासियों के लिए समय निकाला है, वक्त निकाला है। हम तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं इस मंच के माध्यम से, जिला प्रशासन श्रावस्ती के माध्यम से। उनके साथ ही साथ माननीय सांसद श्री दत्त मिश्र जी हैं, माननीय जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी श्री महाराज कुंवर तिवारी जी हैं, आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री एस वी एस रंगराव सर हैं, डीआईजी श्री ए के राय सर हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत विलंब न करते हुए मैं समझ सकता हूँ कि माननीय का वक्त बहुत बेशकीमती है, मैं सबसे पहले माननीय से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और हमें अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन दें। बहुत आवश्यकता है इस बात की और आपसे अनुरोध है, गुजारिश, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय कृषि शिक्षा राज्य मंत्री महोदय का। हमारे हर कार्यक्रम में, और मैं जानता हूं कि श्रावस्ती से महोदय को विशेष लगाव है, अनुराग है, हमारे हर कार्यक्रम में माननीय का हमें आशीर्वाद मिला है। ये कौन सुअवसर हम सभी के लिए कि वो हमारे बीच में है, और एक ऐसा सुअवसर जब श्रावस्ती महोत्सव 2018 आज परवान चढ़ रहा है, बिल्कुल उसका आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, और माननीय हमारे साथ है, तो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा श्री दत्त मिश्र जी से, जो कि हमारे सांसद हैं, अनुरोध करूंगा कि मैडम का स्वागत करें। सर धन्यवाद, नमो बुद्धाय, नमो श्रावस्ती। आज श्रावस्ती महोत्सव 2018 के तृतीय दिवस के शुभ अवसर पर क्लोजिंग सेरेमनी के
शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सबके अगुआ मार्गदर्शक हमारे संगठन के प्रधान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा बाल विकास एवं पुष्टाहार वित्त एवं राजस्व परम आदरणीय परम सम्मानित अनुपमा जायसवाल जी का मैं अपनी ओर से यहाँ पर पधारे हुए उमड़ते हुए जैसा जन सैलाब की ओर से समस्त रावती वासियों की ओर से कोटि कोटि स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये श्रावस्ती गौतम भगवान गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली श्रावस्ती जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली भी है हमारे जिला प्रशासन के द्वारा आज पहली बार इस महोत्सव का आयोजन बहुत सफलतम आयोजन किया गया। अभी चर्चा हो रही थी डीएम साहब से इसकी जो शुरुआत हुई है ये अनवरत बना रहे इसके लिए प्रयास करना है विचार करना है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा। अच्छा दूसरी चीज वैसे तो माननीय मंत्री जी का निरंतर स्नेह आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहता है क्योंकि जितना अधिकार आपके ऊपर बहराइच वालों का है हम श्रावस्ती वाले भी अपना कम अधिकार नहीं समझते। जब भी हम लोगों की आवश्यकता उपयोगिता महसूस होती है हम लोगों के आग्रह पर निरंतर आप अपना बहुमूल्य समय देती रहती है। लेकिन आज का जो समय है वो खास है इसलिए क्योंकि आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी को करना था माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को वो किसी कारणवश नहीं आ पाए उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित है इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर आपका विशेष स्वागत सम्मान करते हैं श्रावस्ती की पावन तपोभूमि पर। तो अभी जिलाधिकारी महोदय से चर्चा हो रही थी कि ये जो इतनी अच्छी शुरुआत हुई इतना सफल आयोजन हुआ है ये कंटिन्यू बना रहे अनवरत चलता रहे साल दर साल चलता रहे इसके लिए व्यवस्था करनी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में जो महोत्सव का आयोजन हुआ है इसको इनरोल करा करके कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी अधिकारी रहे जो भी जनप्रतिनिधि रहे लेकिन ये कार्यक्रम श्रावस्ती महोत्सव का अनवरत साल दर साल चलता रहे इसी आग्रह और निवेदन के साथ पुनः मैं पधारी हुई आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज श्रावस्ती की धरती पर स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत अभिनंदन करते हुए सीधे आह्वान करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी आज के इस श्रावस्ती महोत्सव के समापन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित श्रावस्ती के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री दद्दन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री महाराज कुमार तिवारी जी आयुक्त देवी पाटन मंडल श्रीमान SBS रंगाराव जी उप पुलिस महानिरीक्षक श्रीमान अनिल कुमार राय जी बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय जिलाधिकारी और जिन्होंने बड़ी तबीयत के साथ बड़े मन के साथ इस श्रावस्ती महोत्सव को संवारा है ऐसे जिलाधिकारी श्रीमान दीपक मीणा जी ये तालियां लोकप्रियता को बता रही हैं आपकी और कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना होने पाए उसको अंजाम दे रहे पुलिस अधीक्षक श्रीमान विजय ढुल जी नगर पंचायत इकोना के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ इस आयोजन में बहराइच जनपद से पधारे बहराइच डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू जी भारतीय जनता पार्टी बहराइच के जिले के मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री रामनिवास सिंह चुल्लू जी राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ और वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि बहराइच में जो 5 दिवसीय महोत्सव हो रहा है उसको कैसे श्रावस्ती ने संवारा है उससे हम आगे कैसे ले जाएं इसके लिए आए हुए आदरणीय मनोज गुप्ता जी और श्रावस्ती की समस्त मेरी प्यारी जनता श्रावस्ती की जो ये लोग हैं ना इनसे बड़ा मेरा नाता है और ये लोग भले ही श्रावस्ती में रहते हैं और मैं बहराइच में हूँ
लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो गांव है, जो घर है, वो श्रावस्ती का ही है। ऐसे सभी लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज आई हूँ समापन की घोषणा करने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये रात यूं ही श्रावस्ती के हिस्से में आती रहे, चलती रहे, इसका समापन कभी ना होने पाए। लेकिन एक परंपरा है, इस नाते अंत में मैं ज़रूर समापन शब्द कहूँगी। लेकिन इन तीन दिनों में जो आपके मन में हर्ष उल्लास भरा है, मुझे लगता है वो श्रावस्ती के लिए एक संजीवनी के रूप में है। महोत्सव हमेशा जीवन में राग लेकर आते हैं, प्रेम लेकर आते हैं, उत्साह लेकर आते हैं, और महोत्सव भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और ऐसा सांसद जी ने कहा कि ये चलते रहना चाहिए, और मैं भी ये दुआ करती हूँ कि हर साल श्रावस्ती में इसी तरीके के आयोजन होते रहें। आपने तीन दिन का किया है, और जब जिलाधिकारी मुझे लेने के लिए आए थे तो वो कह रहे थे मैडम हम इसे 7 दिन का भी कर सकते थे। तो आप 3 से 5 पर मत जाइएगा, अगले साल आप 3 से सीधे 7 दिन पर जाइएगा। ये महोत्सव 7 दिनों तक चलता है। भगवान बुद्ध की तपोस्थली जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान महावीर जैन की भी ये भूमि रही है, इसे लव की भी भूमि कहते हैं। तमाम तरीके से यह श्रावस्ती वास्तव में अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक अपना अमिट स्थान बनाए हुए है, एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में है। और अभी हमने जो कार्यक्रम देखा, मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, आज नेताओं वाली कोई स्पीच नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि आप सब भी रंग में, उमंग में, उल्लास में डूबे हैं। होली भी बिल्कुल करीब है, फाग का नशा सब पर एकदम मंडराने लगा है। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करूँगी। मैं कल मेरठ में थी, और वहीं पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया कि आपको बात करना चाहते हैं, और आपको कल श्रावस्ती में समापन अवसर में रहना है। मैंने कहा मैं तो मेरठ के राष्ट्रोदय कार्यक्रम में हूँ, कैसे पहुँच पाऊँगी? तो बोले कि नहीं, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, और आपको वहाँ पर जाना है। तो आदेश आदेश होता है, मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने स्थान पर भेजा, और अगर ना भेजते तो इतने खूबसूरत कार्यक्रम जो स्टेज पर परफॉर्मेंस हुई है, मैं उन्हें देख नहीं पाती, उनको इतने करीब से महसूस नहीं कर पाती। मैं सच कहूँगी कि जादूगर हसन के जादू ने वास्तव में हम सब पर हसीन जादू किया। अपनी जादूगरी से हमारा तो दिल दिमाग सब वो लेकर चले गए, और जो बाकी बचा था वो प्रिंस ग्रुप लेकर चला गया, हमारा राजकुमार। ये तो भला वो विपिन सचदेवा जी का कि आए और जैसे इन्होंने शुरू किया, मुझे इश्क है तुम्ही से तो जागी मैं, क्योंकि तो हमें तो अपनी भारत माता से इश्क है, और इनकी आवाज़ ने जगा दिया कि नहीं, इल्यूजन खत्म हो गया, जादू खत्म हो गया है, प्रिंस ग्रुप का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है, जागो और भारत माता की सेवा में, उसके इश्क में आगे बढ़ते जाओ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और अंत में ना चाहते हुए भी मुझे समापन की घोषणा करनी है। लेकिन इतनी बार ज़रूर कहूँगी कि मैं आई थी 10 मिनट के लिए, कि 10 मिनट के लिए चलूँगी, और मैं चली हुई हूँ 3-4 दिन से लगातार चल रही हूँ, फ्लाइट, बस, गाड़ी और कार्यक्रमों के बीच से थकावट। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, सुबह 5 बजे मैंने पहनी थी, और इसी में घूम रही हूँ सब जगह, तो थकी बहुत थी, लेकिन 10 मिनट के बजाय इतनी देर तक बैठना हुआ। आदरणीय जिलाधिकारी जी कह रहे थे कि उसके आधे घंटे बाद जब आपका मन होगा तो आप चली जाइएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि वक्त में सिर्फ इतना फ़र्क है सबसे और श्रावस्ती से मिलने में, वहाँ ये चलता रहता है, श्रावस्ती में थम सा जाता है। ये वक्त श्रावस्ती महोत्सव में थम सा गया था, लेकिन इस थमे वक्त को फिर से रफ्तार देंगे विपिन सचदेवा के गीत। और मैं चाहूँगी कि आदरणीय जिलाधिकारी जी से कहूँगी कि जो भी कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे वो हो जाएं, और उसके उपरांत समापन की मेरी घोषणा मानी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। वैसे तो बहराइच हम लोगों का मात्र जिला है, बहराइच कहीं कहीं पार्ट श्रावस्ती नौसिखिया जिला है,
लेकिन कई मामलों में श्रावस्ती ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, श्रावस्ती मॉडल प्रदेश ने अडॉप्ट किया है भूमि विवाद से लेकर के कई विभिन्न योजनाओं में। हमें खुशी हो रही है कि श्रावस्ती महोत्सव से प्रेरणा लेकर के बहराइच में भी माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है बहराइच महोत्सव के लिए, ये भी एक श्रावस्ती के खाते में उपलब्धि मानी जाएगी और आसपास के सभी जिलों के लोग निश्चित रूप से इसे प्रेरणा लेंगे। आज हमारे जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय से बात हो रही थी, उनको भी आ जाना था इस कार्यक्रम में। तो मैं समझता हूँ कि ये श्रावस्ती मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए, पधारे हुए सभी कलाकारों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, अभी ये कार्यक्रम आपका अनवरत चलता रहेगा, आप लोग पूरे कार्यक्रम का आनंद लेकर के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबको कि अभी उत्तर प्रदेश में यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 हुआ, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने चाहे वो अंबानी हो, चाहे बिड़ला हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, सब उसमें आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की अपनी इच्छा जताई है। और पहले दिन 21-22 का जो समिट था, 21 को ही 4.28 हजार करोड़ जो उत्तर प्रदेश का इस बार का बजट है उसके लगभग बराबर लोगों ने निवेश करने की इच्छा जताई है। तो ये उत्तर और उसके बाद 22 को और ज़्यादा MOU साइन ही होते चले जा रहे हैं, तो पहली बार उत्तर प्रदेश के खाते में हुआ है। और ये नहीं संभव होता अगर आपने श्रावस्ती से दद्दन जी को नहीं भेजा होता, ये नहीं संभव हुआ होता अगर श्रावस्ती से आपने अन्य विधायकों को जिताकर नहीं भेजा होता। तो श्रावस्ती के बदौलत ये हमें इतना बड़ा मौका मिला है और हम भी उत्तर प्रदेश को नौकरियां देने का काम करेंगे, जो निवेश का माहौल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो उनकी कार्यशैली है उसके कारण जो विश्वास जगा है वो आप सबके भरोसे जगा है। इस भरोसे को बनाए रखिए, होली आ रही है, प्रेम और उत्साह के साथ मनाएंगे लेकिन अपनी मर्यादाओं के साथ भी मनाएंगे, ये भी आप सबको एक संदेश है। और एक चीज़ और मैं भूल गई थी, ये पीछे जो बैठे हुए हैं ना कलाकार, अपने वाद्य यंत्रों को लेकर अगर ये ना हो तो कोई भी खेल खेल जैसा नहीं रहता। तो मैं एक बार इन सब का भी बहुत सम्मान करती हूँ, ये पीछे रहते हैं लेकिन कैसे कैसे कलाकार को कहाँ कहाँ म्यूजिक देनी है, कब उठाना है, कब गिराना है, ये बखूबी नहीं आता है। तो एक बार मैं आप सबको भी बहुत बहुत हैट्सअप, और ये बहुत ज़रूरी है हर कार्यक्रम में पर्दे के पीछे वालों का अभिनंदन भी बहुत ज़रूरी है। एक बार पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2 मिनट, नहीं आपका तो आशीर्वाद, आपकी उपस्थिति मैडम हम सभी के लिए बहुत ही ऊर्जामयी है, इसमें दो राय नहीं। मैं DM साहब से अनुरोध करूंगा और कप्तान साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने साथ, जी हाँ, कमिश्नर साहब को, DIG साहब को और भाजपा जिला अध्यक्ष महोदय भी कृपया मंच पर आ जाए। श्री महाराज कुमार तिवारी जी से भी अनुरोध की मंच पर आ जाए और आदरणीय DM साहब, कप्तान साहब और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री SVS रंगाराव सर, DIG AK राय सर, कृपया मंच पे आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। निस्संदेह मैडम और सभी माननीयों की उपस्थिति, सभी समस्त अधिकारियों की उपस्थिति हम सभी के लिए यहाँ पर ऊर्जा का कार्य कर रही है। और आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि इस मंच पे जो लोग हैं उन्हें दूर तक सिर्फ सिर्फ आपके सर के रूप में श्रावस्ती ही श्रावस्ती दिखाई दे रहा है। मित्रों, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, आप यहाँ पर बने रहिएगा हमारे साथ श्रावस्ती महोत्सव का आज अंतिम दिवस। अब मैं जिलाधिकारी महोदय से ये अनुरोध करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदया को मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करें। मोमेंटो, जी हाँ, ये क्षण, ये लम्हा, ये संदेह जो गुजरता जा रहा है, इतिहास के पन्नों में कैद होता जा रहा है और तस्वीरें भी कैमरों में कैद होती जा रही हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव में जब हम इन तस्वीरों को देखेंगे, अगर आप, मैं चाहूँगा DM साहब से कि आदरणीय दद्दन मिश्र जी को, माननीय सांसद जी को, जी हाँ, स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत, आपका अभिनंदन और तालियों से कृपया अभिवादन करते रहिए। आप सभी से अनुरोध है, ये निवेदन है, आदरणीय सर से अनुरोध, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री महाराज कुंवर तिवारी जी को
स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। सर से अनुरोध के आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री एस डी एस रमे राव सर को स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। सर से अनुरोध की डीआईजी श्री ए के राय सर को स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर दो शब्दों में आप हमें भी अपना आशीर्वाद दे ही दें, उसके पश्चात ही औपचारिक औपचारिकता है सर, फॉर्मेलिटी है सर। यहाँ पे आई हुई माननीय मंत्री महोदय, सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, कमिश्नर साहब, डीआईजी सर, कप्तान साहब, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महोत्सव में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ आके सभी जनता के साथ रूबरू हुए, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। और जितना हमने सोचा था कि ये महोत्सव में इतनी भीड़, हमें भी उम्मीद नहीं थी, और आप लोगों का प्यार देख के हमें भी ये लगा कि हमने अपनी तरफ से थोड़ी कमी रह गई, इसको हमको और अच्छा और लंबे टाइम के लिए करना चाहिए था, पर ये भी हमारे लिए एक अच्छा अनुभव है और कोशिश की जाएगी कि हम व्यवस्था कुछ उस हिसाब से बना के जा रहे हैं कि अगली बार कोशिश ये की जाए कि और भी अच्छी तरीके से हो और आप लोगों के पूरे जन सहयोग से हो। और मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने भी हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आए और जितने भी मीडिया से और पब्लिक से लोग आए, कि आप लोगों ने इस महोत्सव को बहुत सफल किया है और हमें भी इसमें काफ़ी आनंद आया है। मैं पुनः सबको बस इतना कहना चाहूँगा कि बाकी हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का समय थोड़ा बहुमूल्य है, पर बाकी के प्रोग्राम्स, चाहे प्रिंस ग्रुप हो या विपिन सचदेवा जी हो, उनके प्रोग्राम्स अभी बचे हुए हैं जो आप लोगों के लिए अभी चलते रहेंगे। बाकी मैं वापस से पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मैम आप सब लोग, सर आप लोग आए और ये महोत्सव को बहुत अच्छे से। जी हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विपिन सचदेवा सर आपके बीच में।
Thank you.
सॉन्ग प्लीज।